हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो FSNL की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें ट्रेनी इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि फेरोस स्क्रैप निगम लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो एक PSU है। अप्रेंटिसशिप देखने के बाद वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहीं पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी, जिसमें अलग अलग लोकेशन के हिसाब से वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। इसमें आप लोग का जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश में रहेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BE/TECH की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 18 ईयर्स लेके 25 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC/ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 31 अक्टूबर 2022। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इसके पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह करके रखे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके साथ अगर आप लोग के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या तो 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 2020, 2021 और 2022 पे आपके BE/TECH पास आउट किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग 2020 से पहले BE/TECH पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन यानी कि BE/TECH में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट होने के बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें आप लोग को स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोग को ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को MHRD नेट पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग उसी पोर्टल में से अप्लाई करना होगा। जब आप लोग MHRD नेट पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को एक 16 डिजिट का एनरोलमेंट ID मिल जाएगी। वो ID और पासवर्ड लेके आप लोग को फिर से नेट पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को क्लिक करके फाइंड एस्टेब्लिशमेंट ऑप्शन को चूज करना है। और उसके बाद आप लोगों के सामने 2 तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगी, जिनमें से आपको सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम ऑप्शन को चूज करना होगा, और उसमें आप लोग को टाइप करना होगा फेरोस स्क्रैप निगम लिमिटेड। ये टाइप करने के बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने पोस्ट का डिटेल्स ओपन हो जाएगी और आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और उसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।